आज ना चलो स्क्रिप्ट को फ्लिप करते हैं। द स्ट्रेस इज बैड स्क्रिप्ट और एक बेहतर पर्सपेक्टिव समझते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में दो चीजों में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना हैक बताऊंगा एक दिन में डी स्ट्रेस कैसे करता हूं मैं। पहला, ये गुड स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। दूसरा, हम इस यू स्ट्रेस को या इस गुड स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि ये क्रॉनिक स्ट्रेस में ना बदले। देखिए, हम सब स्ट्रेस से डील करते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये वापस आता रहता है। ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि ऐसे करके ये स्ट्रेस खत्म हो गया। हार्ड फैक्ट यही है, स्ट्रेस आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाला। इनफैक्ट ये ग्रो ही करता रहेगा जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रोग्रेस के साथ, डेवलपमेंट के साथ स्ट्रेस भी बढ़ता ही बढ़ता है। कभी जॉब, कभी रिलेशंस, कभी फाइनेंशियल, दुनिया भर के स्ट्रेस हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है अगर स्ट्रेस ही ख़त्म हो गया जीवन से तो फिर जीने में मज़ा ही नहीं आएगा, आपको मोटिवेशन, आपको चैलेंजेस ही नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो इस चैनल में और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिक्लटर लाइफ। यहाँ पे हम माइंड और हार्ट को डिक्लटर करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए स्ट्रेस हमेशा बैड नहीं होता। इनफैक्ट थोड़ा सा स्ट्रेस ना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। हमें बस स्ट्रेस को देखने का नज़रिया बदलना है और हमें इसे मैनेज करना सीखना है ताकि ये क्रॉनिक स्ट्रेस में ना बदले। देखिए, स्ट्रेस तभी बुरा होता है जब आप इसको प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ जोड़ते हो। मैंने इस विशेष साइकिल के बारे में पहले भी बात करी हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, बट ऑफकोर्स इस वीडियो के बाद। देखिए, जब आप किसी गोल की तरफ काम करते हो या किसी टास्क पे काम करते हो बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे तो फिर ना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी ना एक प्रोडक्टिव चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है। और देखिए, चैलेंजेस सबको पसंद है, वो आपको मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मेजर प्रोजेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है विद इन अ डेडलाइन, तो पैनिक या स्ट्रेस में आने के बजाय ना आप इस स्ट्रेस को यूज़ करो एक मोटिवेशन की तरह। इस प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करो। इन सारे टास्क की ना आप डेडलाइन डिसाइड करो। जब ये डेडलाइंस आपकी हो जाए ना, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। आप जब ये प्रोजेक्ट विद इन डेडलाइन पूरा कर लेते हो ना, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है और वो जो स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है ना, वो बहुत सही होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने बेसिकली ना क्या किया, आपने ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आपने अपना स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज किया। इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम लोग यू स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि गुड स्ट्रेस। ये एक वो एक्स्ट्रा पुश की तरह होता है जो आपको और मोटिवेट करता है अपने टास्क को, अपने चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। देखिए, यू स्ट्रेस के ना कुछ पर्क्स हैं। सबसे पहला काम तो ये करता है कि आपके मूड को बूस्ट करता है। देखिए, ऐसा होता है जब आप किसी चैलेंज को पूरा करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा होकर लगता है और आपका मूड बहुत सही रहता है। दूसरा, ये आपका फोकस इंक्रीज करता है। कैसे, जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना अच्छे से काम करते हो तो वो आपको ज़्यादा शार्पन करता है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। फिर ये आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे, देखिए, जब आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस भी सही होती है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हो, बारीकियों का ध्यान देते हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपका आउटपुट अच्छा हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाता है। फिर जब आप लगातार इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हो तो होता क्या है कि आपकी ना पर्सनल ग्रोथ होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके अंदर रेजिलियंस बिल्ड होती है। बार बार चैलेंजेस को पूरा करना आपकी हैबिट बन जाती है। आप भी सोच रहे हो कि अगर ये इतना आसान होता है तो हर कोई क्यों नहीं करता। देखिए, स्ट्रेस कब क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता, ये बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन वाली बात है। मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल में अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते तो उससे होता क्या, सबसे पहले तो मिसमैनेजमेंट होता, फिर आप अपनी डेडलाइंस को बार बार रिवाइज करते रहते, आगे पुश करते रहते, फिर ऑफकोर्स रातों की नींद ही उड़ जाती। इन डेडलाइंस को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि लास्ट मोमेंट टास्क हो जाता है, और इससे तो हम सब फेमिलियर हैं। इन सब का होता क्या, लास्ट में स्ट्रेस बढ़ता और इसकी वजह से आप वो चीज़ ढंग से कर ही नहीं पाते, आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाता, इन शॉर्ट आप बिल्कुल ही हार जाते।
अब यहाँ बात आती है कि आप इस यू स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे, मतलब कि आप उसे क्रॉनिक स्ट्रेस में डेवलप होने से रोकोगे कैसे। सबसे पहले तो आप अपने साइंस को रिकग्नाइज करिए। रेड फ्लैग्स होते हैं, नींद नहीं आ रही है, कंटिन्यूसली टायर्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, इन सारे साइंस को ना रिकग्नाइज करना सीखिए। दूसरा, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियोस में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए और उन टास्क को उसी हिसाब से आप टाइम अलॉट करिए ताकि वो पूरे हो सके। तीसरा, आप अपने आप को रिलैक्सेशन टाइम दीजिए। होता क्या है कि बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट होने से फिर आप ढंग से काम नहीं करते, आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता, तो अपने आप को ना रिलैक्सेशन टाइम दीजिए। आपने यहाँ टास्क पूरे करे हैं, ये पूरा करने के बाद अपने आप को रिलैक्स करिए। चौथा, और ये बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये साइन ऑफ वीकनेस है किसी का सपोर्ट सीख करने में, बट एक्चुअल में ना आपको सपोर्ट सिस्टम अपना बनाना पड़ता है, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना भी चाहिए। आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स होंगे, कोई क्लोज रिलेटिव्स होंगे अपने आसपास, उनसे लगातार बात करते रहिए, उनसे शेयर करते रहिए। पांचवा, और ये बहुत अंडररेटेड है, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अगर ये सपोर्ट सिस्टम आपका काम नहीं करता, आप शर्माते हो अपने क्लोज वन से या रिलेटिव से बात करने में, तो देखिए प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे बात करिए, वो ऑफकोर्स आपकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट ऐसा होता है जब आप किसी को जानते नहीं हो ना, आप उनसे ज़्यादा बात कर पाते हो, तो जाइए बात करिए, सपोर्ट लीजिए। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी ना कुछ हैबिट्स बनाइए। इस पर बहुत जल्द एक वीडियो हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं। हैबिट्स आपको ऑटोमेशन में डालते हैं, और हैबिट्स एक ऐसा तरीका है जो आपको स्ट्रेस से निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कि मैनेज कैसे करना है यू स्ट्रेस, ये कोई ऐसी रेयर चीज़ नहीं है कि जैसे आपको पता ही ना हो, बहुत कॉमन चीज़ है। बट फर्क वहाँ पड़ता है कि आप वो करते हो या नहीं। अक्सर क्या होता है कि लोग करते ही नहीं है, इन सब चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, बट ऐसा मत करिए। अगर आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और उसे गुड स्ट्रेस में ही रहने देना है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ना खासकर ध्यान दीजा करिए। क्योंकि देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत बेकार चीज़ है। एक ऐसी ट्रेन की तरह है जो डिरेल हो चुकी है, ब्रेक फेल हो चुके हैं और वो दौड़ी जा रही है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक दिन में अपने आप को डी-स्ट्रेस कैसे करता हूँ। देखिए, मैं सीधा सीधा एक पूरा का पूरा दिन ऑफ लेता हूँ, उसमें मैं सिर्फ दो काम करता हूँ। पहला, जो चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है, अगर वो कुछ काम है या टास्क है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं टाले जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसको टैकल करता हूँ या ख़त्म करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने वो टास्क शुरू ही नहीं किया, तो एटलीस्ट मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं उसको शुरू कर देता हूँ। इससे होता क्या है कि मुझे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं ख़त्म करूँगा ही करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं घर छोड़ता हूँ, मैं ये चार दीवारी जो होती है ना, इनको छोड़ के बाहर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्विमिंग करने चला जाता हूँ या रनिंग या जॉगिंग करने चला जाता हूँ, बट ये जो चार दीवारी होती है ना घर की, इन्हें छोड़ देता हूँ। होता क्या है कि जब आप बैठे रहते हो ना एक जगह और स्ट्रेस्ड, एकदम बिल्कुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, तो ना दीवारें आपको खाने को दौड़ती हैं। और हम गलती क्या करते हैं कि हम घर में कंफर्टेबली बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं दो चीज़ करता हूँ, पहले उस टास्क को या तो ख़त्म कर देता हूँ या एटलीस्ट शुरू कर देता हूँ, और दूसरा मैं स्वेट करता हूँ, चाहे वो स्विमिंग करूँ, चाहे जॉगिंग करूँ, चाहे क्रिकेट खेलूँ, चाहे कैसे भी, बट यू नो, अपनी चार दीवारी छोड़ता हूँ। देखिए, स्ट्रेस के साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि जब वो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ कंबाइन होता है ना, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कब 3-4 दिन गुजर गए और आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया। हमने पहले भी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने दो चीज़ें टैकल करी हैं, वाई एंड हाउ। मीनवाइल, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अपनी वेलबींग का खासे ध्यान रखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। ये जो स्ट्रेस है ना, ये इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जोक्स अपार्ट, अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपने स्ट्रेस बस्टर्स हमारे साथ शेयर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। यू नेवर नो कब आपका एक्सपीरियंस किसी के लिए लर्निंग बन जाए। एज यूजुअल, सेम ड्रिल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो उस इंसान को शेयर करिए जो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी उसे हेल्प करे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।